everyone, welcome back to my channel and welcome back to yet another versus video. So इस बार मैं compare करने वाली हूँ these two cream from the face shop. One is the Shea Seed का No Shine Intense Hydrating Cream original वाला and इसको मैं compare करने वाली हूँ with the Shea Seed Advanced Hydro Cream with Pink Vitamin B12. So आज मैं इन दोनों का comparison आपके साथ share करने वाली हूँ like whether you should go for this one or this one. So if you're interested then please keep on watching. So before starting the video guys, if you haven't subscribed to my channel, take a moment to hit on that red subscribe button down below and click on the notification bell as well so you never miss any updates. And if you haven't followed me on Instagram, then come and say hi and let's be friends there as well. Now without wasting a minute, let's get started. Right, so let's start with the packaging first. So first of all, inki outer boxes ki baat karun to aap dekh sakte ho, this one is in green color. Ye original wale ka green color ka outer box hai and jo hydro wala hai aap dekh sakte ho ye brown color ka box hai and ispe sara information de rakha hai. Ye mere paas 30 ml की क्वांटिटी वाला है एंड दिस इज फुल साइज प्रोडक्ट. इनके अंदर की पैकेजिंग की बात करूँ तो यू कैन सी ये ग्रीन कलर की इस तरह के टब में आता है. इसका ओरिजिनल पिक्चर साइड पे है एंड ये वाला फुल साइज प्रोडक्ट है. एंड एज यू कैन सी इट्स लुक सो लग्जूरियस. ये लाइट पीची पिंक कलर का बॉडी है एंड ऊपर ये सिल्वर कलर का कैप है. एंड इस वाले में भी सिल्वर कलर का ही कैप है लेकिन नीचे का जो बॉडी है वो थोड़ा ट्रांसपेरेंट एंड ग्रीनिश कलर का है. द फेस शॉप वी ऑल नो गाइज इट्स एन कोरियन स्किन केयर ब्रांड एंड इनके सारे के सारे प्रोडक्ट्स पैराबिन पैराफिन पेथलेट्स डाइज कलरेंट इन सबसे फ्री होते हैं एंड इनके अंदर कोई भी एनिमल ओरिजिन इंग्रेडिएंट्स नहीं होते हैं. दे आर क्रुएल्टी फ्री एंड दे आर 100% वेगन. अब अगर इनके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो दोनों के अंदर ही शिया सीड है एंड इसके अंदर अभी इन्होंने लेटेस्ट ऐड किया है पिंक वाइटामिन B12. सो शिया सीड वी ऑल नो बहुत ही अच्छे एक हाइड्रेटर का काम करता है. इसमें 10 times मोर अपने वेट से ज़्यादा वाटर सोक करने की पावर होती है. दैट्स वाई आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है एंड आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है. दिस ओरिजिनल वन रिटेल्स फॉर 2100 समथिंग एंड दिस वन रिटेल्स फॉर 2410. सो ऑफकोर्स ये वाला थोड़ा सा महंगा है एज कम्पेयर टू दिस वन एंड इवन इसका भी इन्होंने भी प्राइस इंक्रीज किया है. पहले इसका प्राइस आई थिंक 1990 था, 1900 के आसपास था ना, उन्होंने 2100 का इसको कर दिया है एंड दिस वन इज़ फॉर 2410 लाइक 2410 का है. सो आई नो दिस वन इज बिट मोर प्राइसी देन दिस वन. अब इनकी कंसिस्टेंसी की बात करते हैं. सबसे पहले मैं आपको ये वाला अप्लाई करके दिखाती हूँ. दोनों साइड बाई साइड दिखा देती हूँ अप्लाई करके. तो इसका कंसिस्टेंसी आप देखो व्हाइटिश कलर का है एंड ये जेल क्रीम बेस्ड है. तो इसको मैं लगा रही हूँ इस तरफ. ओके सो दैट्स दिस शिया सीड ओरिजिनल एंड दूसरी साइड मैं लगाने वाली हूँ दस शिया सीड हाइड्रो. नाउ ये देखो ये अंदर पिंक कलर का आपको प्रोडक्ट दिखेगा. सेकेंड सो दीज आर द टू कंसिस्टेंसीज. दैट्स द कंसिस्टेंसी ऑफ बोथ गाइज. ये ओरिजिनल वाले का कंसिस्टेंसी है एंड ये जो पिंक वाइटामिन वाला है उसका कंसिस्टेंसी है. आप देख सकते हो थोड़ा सा रनी टेक्स्चर में है. ये थोड़ा सा एम्प्यूल काइंड ऑफ इसका टेक्स्चर है. एकदम से पानी की तरह स्प्रेड होता है एंड एज कम्पेयर टू दिस वन ये आप देखो वहीं का वहीं है ये सेटल हुआ. ये देखो सो ये इसका कंसिस्टेंसी है जेल एंड क्रीम बेस्ड. एंड इसका कंसिस्टेंसी आप देखो कैन यू सी. नाउ गाइज इनकी फ्रेग्रेंस की बात करूँ तो दोनों का फ्रेग्रेंस एग्जैक्टली सेम है. कोई डिफरेंस नहीं है इनकी फ्रेग्रेंस में. द ओनली डिफरेंस इज़ द कंसिस्टेंसी. नाउ ये वाला जो कंसिस्टेंसी है ये थोड़ा सा एम्प्यूल काइंड का है. लाइक मैंने कभी एम्प्यूल यूज़ नहीं किया है बट दे से कि हाँ इट्स इन द एम्प्यूल फॉर्म. तो इसका जो टेक्स्चर है आप देखोगे थोड़ा सा ये हिलता है अंदर. जब आप इसको इस तरह से शेक करते हैं तो अंदर इस तरह से हिलता है. तो आई डोंट नो क्या है ये. बहुत ही डिफरेंट सा कंसिस्टेंसी है एंड जैसे आप इसको अपने फेस पे स्प्रेड करते हैं एकदम वाटर की तरह स्प्रेड हो जाता है. एंड ऑन द अदर हैंड अगर मैं शिया सीड के ओरिजिनल वाले की बात करूँ तो इसका कंसिस्टेंसी लाइक अगर मैं ऐसे हिलाऊँगी तो हिलता नहीं है बिकॉज इट्स इन जेल एंड क्रीम बेस्ड. तो ये इनकी कंसिस्टेंसी का मेन डिफरेंस है.
एंड एक बार जब ये अब्सॉर्ब हो जाते हैं गाइस अच्छे से तो बिल्कुल भी चिपचिप फील नहीं होती है एंड बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर है दोनों के दोनों, बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाते हैं एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं थ्रू आउट द डे। सो दीज टू प्रोडक्ट्स आर सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स एंड इफ यू आर नॉर्मल टू ऑयली स्किन यू वांट टू लव बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, बट इफ यू आर वेरी वेरी ड्राई स्किन देन आई थिंक दीज आर नॉट सफिशियंट फॉर यू। नाउ गाइज मैंने इन दोनों मॉइस्चराइजर्स को यूज़ किया है, इस वाले को मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था, लाइक मैंने इसको समर्स में एंड देन मॉनसून एंड देन आई थिंक अक्टूबर तक की डेली की अक्टूबर वाली ठंड तक मैंने इसको यूज़ किया है एंड दिस वर्क्ड वंडरफुली एंड देन ये फिनिश हो गया था, इस बस थोड़ा सा बचा था एंड देन आई गॉट दिस वन इन द मंथ ऑफ जनवरी दिस ईयर एंड उस टाइम पे दिल्ली की बहुत हार्श विंटर्स होती हैं, उस टाइम पे जब मैंने इसको यूज़ किया तो ये मुझे बहुत कम लगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट एट ऑल मेंट फॉर वेरी वेरी ड्राई स्किन पीपल, इट्स वेरी वेरी लाइट मॉइस्चराइजर, सो दैट्स वाई ये मुझे विंटर्स में उतने अच्छे से सूट नहीं करा। बट नाउ इट्स वेरी वेरी ह्यूमिड एंड बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है अभी इस टाइम पे, दिस वन इज सूटिंग परफेक्टली, सो आई वुड से फॉर समर्स यू कैन गो फॉर दिस वन, फॉर विंटर्स आई थिंक नो। गाइज इफ यू आस्क मी लाइक आई विल रिकमेंड दिस और दिस, सो डेफिनेटली आई वुड नॉट रिकमेंड दिस वन बिकॉज दिस वन इज इंटेंस हाइड्रेशन एंड दिस वन इज मच 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 बेटर देन दिस वन। आई नो इट्स देयर एडवांस्ड वन बट आई थिंक इट्स ए बेटर, इसका ओरिजिनल वाला है एंड अलॉट मेनी पीपल यू नो दे कमेंट एंड आस्क मी कि इनका मैंगो सीड वाला लाइन ट्राई करें बिकॉज दैट इज मेंट फॉर ड्राई स्किन, बट गाइज उसका भी इन्होंने इस तरह से नया वाला वर्जन निकाल दिया है, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी बिकॉज मुझे लगता है कि जितने भी इन्होंने ये नए वाले निकाले हैं ये कुछ खास नहीं है, दे आर नॉट मेंट फॉर ड्राई स्किन, बट इनके जो ओरिजिनल वाले थे दे आर द बेस्ट, सो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट माई मनी ऑन दैट मैंगो सीड वाला नया वाला रेंज, बट येस इफ आई गेट द ओरिजिनल मैंगो बटर देन डेफिनेटली आई एम गोना ट्राई दैट वन, बट these advanced versions I think I'm not gonna go for these and I will highly recommend you to try this one, this original one, not this one. That's all about this video guys, I hope aapke sare doubts clear ho gaye hain and now aap apna mind bana sakti hain ki aapko in dono mein se kiski taraf jana hai. I hope aapko aaj ka video acha laga, helpful laga hai to like kar dena aur agar channel ko subscribe nahi kiya hai to fatafat se subscribe kar lijiye. Main milti hu aapko apni agli video mein, tab tak apna dhyan rakhiyega, bye bye.